हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती और आपके सामने हाजिर हूं एक नए करंट अफेयर्स की न्यूज़ के साथ। तो आपका हार्दिक स्वागत है हमारे क्लास मेरे गुरु के चैनल पर। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, हमें डेली फॉलो कर ही रहे हो। तो आपको पता है दिन में 2 से 3 वीडियो आते हैं जो अलग अलग टॉपिक्स पर होते हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो आज भी मैं एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत अच्छा सा जजमेंट आया हुआ है, बहुत ज़्यादा चर्चित है इस टाइम पर, तो उसको हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। देखेंगे कि भाई न्यूज़ में ऐसा क्या है, कितना चर्चा में चल रहा है और सालों का केस है। अभी कहीं 30 साल, लगभग 30 साल हो चुके हैं उस केस को और उससे ज़्यादा ही हो गए हैं शायद, और तब से वो कंटिन्यूसली केस चल रहा है। तो उसको हम अच्छे से यहाँ पे अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो कंपनियाँ माइनिंग करती हैं उनको एक रॉयल्टी देनी पड़ती है स्टेट्स को। तो जहाँ पे जो मिनरल्स होते हैं, जिस स्टेट में भी मिनरल्स होते हैं, उस स्टेट को जो है वो कंपनियाँ रॉयल्टी देती हैं। तो इसको लेकर के बहुत पहले जो है एक चर्चा में चला था, आई थिंक 1978 का मामला है, जब वहाँ पर अचानक से क्या हुआ कि सेस चार्ज लगा दिया गया, रॉयल्टी के साथ साथ जो है सेस चार्ज लगा दिया गया, वो भी स्टेट ने लगाया। उसके बाद चीज़ें और चर्चा में रही, 2004 में फिर से चीज़ें चली। तो हम इसको देखते हैं, पहले स्टार्ट में हुआ क्या। देखो यहाँ पे लिखा है, लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट कोर्ट रूलिंग चेंजेस टैक्सेशन रूल्स फॉर द माइनिंग ऑपरेशन। तो अभी हाल में क्या हुआ, अब हम पहले बात कर लेते हैं अभी क्या हुआ है। तो अभी क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही, देखो पहले मामला ये था, लोग ये बोल रहे थे कि जो भी कंपनियाँ थी वो बोल रही थी कि रॉयल्टी जैसा कोई टैक्स नहीं होता है, इसलिए जो है रॉयल्टी लगाना ना लगाना स्टेट का काम है। लेकिन क्या है, सेंटर का मानना था कि भाई रॉयल्टी भी एक टैक्स है और टैक्स को लगाने का काम जो है वह सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। कोई भी राज्य सरकार जो है किसी भी चीज़ पर ऐसे टैक्स नहीं लगा सकती है, जिसकी वजह से जो है काफ़ी टाइम से मामला चल रहा था। अभी जो है सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा डिसीजन माना था, क्योंकि इसमें 9 जजेस की बेंच बैठी हुई थी और 9 में से जो है 8 ने है जो पक्ष में कहा है कि हाँ ठीक है, ये जो है मतलब मामला जो है अगर कहें किसके पक्ष में गया है तो राज्य सरकार के पक्ष में गया, राज्यों के पक्ष में गया है। राज्य कल को चाहे किसी भी कंपनी से कितना भी सेस चार्ज या रॉयल्टी वसूल कर सकती है। अभी क्या था, अभी जो है ऑल ओवर इंडिया में एक ही चीज़ सेट थी कि भाई सारे स्टेट्स में 10% लगेगा, सारे स्टेट में 20% लगेगा, क्योंकि जो है सेंटर हमारा जो केंद्र सरकार है वो इसको निर्धारित कर रही थी। अब आगे ये क्या होने वाला, अब आगे ये होगा कि जब भी ऐसा कुछ निर्धारित होगा तो वहाँ पे राज्य सरकार की भूमिका अहम होने वाली है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, सारी चीज़ें यहीं पर लिखी हुई हैं, रॉयल्टी के बारे में ही सारी चीज़ें हैं। ये बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में है, हिंदू में है, एक्सप्रेस में है, अलग अलग जगह पे बहुत सारे यहाँ पे आर्टिकल्स यहाँ पे छपे हुए हैं इसके बारे में, क्योंकि बहुत बड़ा डिसीजन है एक तरीके से। देखो एक तो बड़े लेवल पे हो रहा है, राज्य स्तर राष्ट्र स्तर पर हो रहा है, क्योंकि सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर अच्छे खासे मिनरल्स अवेलेबल हैं, आपका कोयला हो, लोहा हो, एल्यूमिनियम हो, अलग अलग है। तो कुछ लोगों का मानना या कहना ये भी है कि मतलब ठीक है, किसी एक राज्य के पास जो है रिसोर्सेस ऐसे अवेलेबल हैं तो बस अपना विकास करेगा, बाकी जो देश के अन्य राज्य हैं जहाँ पे ऐसे मिनरल्स अवेलेबल नहीं है, जैसे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं, उनका विकास कौन करेगा, फिर उनको पैसा कहाँ से आएगा। क्यों, अभी जो है चार्ज जो भी आ रहा था, सेस चार्ज आ रहा था या फिर रॉयल्टी आ रही थी, वो जो है राज्य सरकार के पास आ रही थी, वही लगाने का वसूलने का काम कर रहे थे। अब इस पर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं, तो अभी तो भाई डिसीजन आ गया है, अब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, कुछ समस्याएँ होंगी तो उसको हम आगे देखेंगे। तो कुछ चीज़ें देखो यहाँ पर देख लेते हैं, 9 जजेस की बेंच बैठी थी, उसने फैसला सुनाया है, आपको ये याद रखना है। राज्यों के हक में फैसला गया है, ये भी स्टेटमेंट आपको याद रखना है। राज्यों का कहना था कि खान या माइनिंग के मामले चाहे तो राज्य रॉयल्टी लगा सकते हैं। राज्यों का स्टार्टिंग से यही कहना था कि खान जब हमारे ही जगह पर है, हम चीज़ें देख रहे हैं सब कुछ, तो यहाँ पर जो रॉयल्टी लगाने का काम जो है, सेस लगाने का जो काम हमारा ही होने वाला है। अब रॉयल्टी को क्या होता है, रॉयल्टी मतलब एक तरीके से होता है, मान लीजिए आपने कोई गाना लिखा, आपने कोई पुस्तक लिखी, कुछ भी ऐसा कोई चीज़ किया, अब कोई दूसरा चाहता है कि मैं इसको रिलीज करना चाहता हूँ, मैं फिर से इसको पब्लिश करना चाहता हूँ, तो आप बोलेंगे ठीक है, आपने क्या कि एक बार गाना रिकॉर्ड कर दिया, अब क्या है कोई दूसरा जो है उसी को यूज़ करना चाहता है, तो आप बोलेंगे ठीक है आप यूज़ कर लो, लेकिन हमें रॉयल्टी दे दो। रॉयल्टी मतलब क्या, मेरा अधिकार बनता है, क्योंकि इसको मैंने बनाया है, इस पर मेरा हक बनता है, लेकिन आप मुझे कुछ पैसे देंगे तो आप जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऐसे क्या होता है, जो कंपनियाँ होती हैं वो राज्य में जाती हैं, उनसे बोलती हैं हमें यहाँ पर मुरम जो है या जो भी खनन करना है, जो भी कोई भी है वहाँ पर खनन करना कार्य करना है, तो वो राज्य बोलता है ठीक है ये हमारी भूभाग का मतलब पार्ट है, हमारा अधिकार है इस पर, लेकिन आप इस्तेमाल कर लीजिए इसको और हाँ आप हमको रॉयल्टी दे दीजिए। तो चीज़ें ऐसी ही चल रही है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो बात करें, अगर मिनरल्स स्टेट बहुत सारे कुछ मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, बाकी आप गूगल कर सकते हो, ओडिशा है, झारखंड है, बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है और राजस्थान है, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। तो ऐसा मत मानिए अगर सिर्फ इतने ही लिखाए हैं मैंने तो इतने ही हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे यहाँ पे आपको राज्य मिल जाएंगे जहाँ पे मिनरल रिच स्टेट है, अलग अलग टाइप के आपको मिनरल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बात करें अगर केस की कि भाई बैकग्राउंड कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो बहुत पहले की बात है, मतलब अभी से स्टार्ट नहीं हुआ है, ये नहीं है कि अचानक से आया चीज़ें और यहाँ पर स्टार्ट हो गई। तो क्या है, पहले केस देखते, केस क्या था, द मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया,
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये मामला है, ये कोर्ट केस हुआ था, ठीक है। ये आपको याद रखना, नाम याद रखना। कई बार क्या होता है, नाम लिख करके आ जाता है और आपको वहाँ पे नाम नहीं याद आता है, ठीक है। अगर बात करें कि डिसाइड क्या हुआ है, डिसाइड क्या हुआ, तो 8-9 जज थे टोटल, उसमें 8 ने पक्ष में डिसीजन दिया है, 1 ने, 1 जो है विपक्ष में दिया है। तो आपको जो है देखो, 8 ये है जिन्होंने पक्ष में बोला है कि ठीक है राजू के पक्ष में गया है तो गया ही है, लेकिन जो है जो विपक्ष में है, जिन्होंने जो है अपोजिट एक तरीके से डिसीजन दिया, उनका नाम याद रखिएगा। हो सकता है इन नामों को ना पूछे, लेकिन ये नाम आपसे पूछ सकता है, जस्टिस बी एन नागराथा, ठीक है। जस्टिस बी एन नागराथा हैं, उन्होंने क्या है इसके पक्ष में डिसीजन नहीं दिया। वो कह रहे थे कि भाई सेंटर का ही काम है, सेंटर को करने दो, तो अकेले पड़ गए, उनका कोई माना नहीं, क्योंकि आपको पता है बहुमत से काम चलता है यहाँ पे। 8 लोग जब बोल रहे हैं एक तरफ, तो उन्हीं की बात मानी जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मामला कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो लगभग 30 साल पहले 1989 में यहाँ पे डिस्प्यूट हुआ था तमिलनाडु गवर्नमेंट एंड इंडिया सीमेंट्स के बीच में, ठीक है। वहाँ पे हुआ क्या था, अचानक से जो इंडिया तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो इंडिया सीमेंट से बोला था 10% सेस बढ़ाने के लिए, तब मामला जो है वहाँ पे आगे गया था, ठीक है। यहाँ पे रॉयल्टी अतिरिक्त मांगने का मामला हुआ था, तो जो है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, अलग अलग जगह यहाँ पे अपील्स की गई थी। तब बोला गया था रॉयल्टी पर टैक्स लगाना केंद्र सरकार का काम है, कंपनी ने बोला था, इस सीमेंट कंपनी ने बोला था कि रॉयल्टी पर टैक्स लगाना जो है कंपनी सेंटर का काम है, आप जो है रॉयल्टी ले रहे हो लो, लेकिन सेस क्यों लगा रहे हो, एक्स्ट्रा चार्ज क्यों ले रहे हो। 2004 में फिर से बंगाल सरकार के मामले में 1989 का फैसला पलट गया। पहले जो है 1989 में क्या हुआ, पहले फैसला दिया गया कि हाँ सेंटर का ही काम है भाई, सेंटर को ही जो है सेस लगाना है या जो भी चीज़ें वसूलनी है, आप इसका निर्धारण नहीं करेंगे। फिर 2004 में जो है पलट गया मामला, फैसला जो है 2004 में पलट गया, और उन्होंने बोला 2004 में ये बोला गया कि देखिए टाइपोग्राफिक एरर थी, ये जो टाइपोग्राफिक एरर हुई थी जिसकी वजह से जो है जो फैसला है वो केंद्र सरकार के पक्ष में चला गया था। फिर से वहाँ पे अपील हुई, फिर से चीज़ें चल रही थी, और जो है अभी आप देख रहे हो, हमने फाइनल डिसीजन देख लिया, अब क्या हुआ है, फिर से राज्यों के पक्ष में आ गया है। तो इतना कहा सुनी होने के बाद जो है फाइनली जो है हम क्या देख रहे हैं, अब से जो अगर आपसे कोई पूछे कि जो रॉयल्टी है उस पर जो सेस चार्ज लगता है वो कौन लगाता है, ज़्यादातर ऐसे टैक्सेस जो है हमारी केंद्र सरकार लगाती है, लेकिन अब से जो है माइनिंग वाले मामलों में जो है हमारी राज्य सरकार ही सब चीज़ों को यहाँ पे देखने वाली है, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा यहीं होता है खत्म, अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा जान, ठीक है दोस्तों। तो ये टॉपिक हमारा होता है यहीं पर खत्म, अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, हैव अ गुड डे, थैंक यू।